बहू जरा मेरे कमरे में तो आओ, अहिल्या जी ने अपनी छोटी बहू रत्ना को आवाज लगाते हुए कहा तो रत्ना उनके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, हाँ मम्मी जी कहिए। अहिल्या जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, हाँ मम्मी जी कहिए, तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम कितना सम्मान करती हो मेरा। अगर इतना ही मेरा सम्मान करती हो तो फिर मेरी शिकायत मेरी ही बेटी से क्यों की तुमने? रत्ना ने हैरानी से कहा, मैंने आपकी कौन सी शिकायत कर दी मम्मी जी? अहिल्या जी ने तमकते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी से नहीं कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पति के साथ प्राइवेसी नहीं देती हूँ? यह सब घर की बातें हैं, तुम्हें बाहर किसी से नहीं कहनी चाहिए। रत्ना हैरानी से बोली, तो क्या आपकी बेटी बाहर वाली हो गई? और वैसे भी वह मुझसे पर्सनल सवाल कर रही थी कि मैं खुशखबरी कब सुना रही हूँ, तो मैंने भी कह दिया कि मुझे अपने पति के साथ प्राइवेसी ही नहीं मिल पा रही है, तो मैं खुशखबरी क्या खाक सुनाऊंगी? तो इसमें मैंने गलत क्या कहा? अब आप रोज रात को आकर हमारे कमरे का दरवाजा खटखटा देती हैं। शादी के 3 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने समझने का मौका तक नहीं मिल पाया है, आखिर आप ऐसा करती क्यों हैं? विमला जी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा और उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, देखो बहू ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, बड़ी बहू को तो 3 सालों तक पति के साथ कोई प्राइवेसी नहीं मिली थी, तो तुम अपने पति से चिपके बिना मर नहीं जाओगी। रत्ना अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई और तुरंत ही बोल पड़ी, मम्मी जी शायद इसीलिए जेठानी जी जल्दी यहाँ पर हम लोगों से मिलने के लिए आना नहीं चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने उन्हें बहुत ठेस पहुँचाई है। अहिल्या जी गुस्से में छोटी बहू को घूरने लगी। बहू मन ही मन सोचने लगी, आप जानबूझकर हम पति पत्नी को दूर रखना चाहती हैं, लेकिन मम्मी जी मैं आपकी दाल गलने नहीं दूंगी। फिर छोटी बहू ने सास की अकल ठिकाने लगाने के लिए इस बारे में अपने पति से बात की। दिव्यम भी यह सब जानकर हैरान रह गया था। फिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और आज की रात दोनों इस योजना को अमल में लाने के लिए बिल्कुल कमर कसकर तैयार थे। रात को जब रत्ना कमरे में आई तो दिव्यम ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर में ही अहिल्या जी जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीटने लगी और कहने लगी, बेटा तुम कमरा बंद कर लेते हो तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मुझे घुटन सी महसूस होती है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि कमरे का दरवाजा बंद मत किया करो, देखो रात बिरात मुझे हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा, मेरे सीने में भी हल्का हल्का दर्द सा महसूस हो रहा है और मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है। दिव्यम ने झट से कहा, माँ मुझे भी तुम्हारी बहुत चिंता होती है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगर तुम्हें मेरे दरवाजा बंद करने से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुमने मेरी शादी क्यों करवाई? मैं आराम से तुम्हारा ध्यान रख पाता ना, लेकिन अब पत्नी के प्रति भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। मगर मैं शादी होते ही कोई बुरा बेटा नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा भी पूरा ध्यान रखूंगा। दिव्यम की बात सुनकर अहिल्या जी खुश हो गई और बहू की ओर तिरछी नजरों से देखकर विजयी भाव से मुस्कुराई। बदले में रत्ना के होंठों पर भी एक लंबी सी मुस्कुराहट की रेखा खींच गई। उसे मुस्कुराते हुए देखकर अहिल्या जी को थोड़ा अजीब सा लगा कि बहू इतनी खुश नजर क्यों आ रही है। तभी दिव्यम ने कहा, माँ आप जल्दी से कपड़े बदल लो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, रात में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद से ही नजर नहीं मिला पाऊंगा, इसलिए हम अभी तुरंत ही हॉस्पिटल चलते हैं। रत्ना तुम माँ को जल्दी से तैयार करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। इतना कहकर दिव्यम ने कार की चाबी उठाई और झटके से कमरे से बाहर चला गया। पीछे से अहिल्या जी चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बेटा रुक, तू मेरी बात तो सुन, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तुझे तो पता ही है कि मुझे डॉक्टर का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है। दिव्यम 2 पल को रुका और उसने पीछे पलट कर कहा, माँ डॉक्टर ही तो जान बचाते हैं, अगर सच में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ही लेकर जाऊंगा ना, तो फिर मैं उस वक्त का इंतजार आखिर क्यों करूं? वैसे भी पता नहीं क्यों जब से मेरी शादी हुई है तब से तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रहने लगी है, मुझे तो लगता है कि शादी में जो तुमने इतनी भाग दौड़ की, इतना सारा काम किया, उसके वजह से ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है। आज हम डॉक्टर को दिखा ही लेते हैं, उसके बाद सब सही हो जाएगा। अहिल्या जी अब अपने ही पुने हुए जाल में फंस चुकी थी। आखिरकार न चाहते हुए भी उन्हें बेटे के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वहां पर उन्हें बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि हॉस्पिटल जरा हाईफाई था और डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया था। अब उन्हें घबराहट हो रही थी कि कहीं डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह न लगाने लगे। अब वो लोग इमरजेंसी में पहुंचे थे तो एडमिट तो उन्हें होना ही था। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, शायद गैस की वजह से दर्द हो रही होगी। फिर डॉक्टर ने खाना हजम होने की और गैस की दवाई लिख दी। अगली सुबह उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वह घर आ गई। दिव्यम ने अपनी माँ से कहा, माँ वैसे तो डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आज फिर से तुम्हें ऐसे ही परेशानी हुई तो मैं तुम्हें दूसरे डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। बेटे की बात सुनकर अहिल्या जी घबरा गई क्योंकि अब उन्हें दोबारा हॉस्पिटल जाने के नाम से भी डर लग रहा था। इसलिए उन्होंने अपने कान पकड़ लिए कि आज के बाद से वह बेटे बहू के कमरे का दरवाजा हरगिज भी नहीं खटखटाएंगी।
इस तरह से अहिल्या जी को बेटे बहू सबक भी सिखा चुके थे और अब उन्हें अपने हिस्से की प्राइवेसी भी मिल रही थी। दोस्तों, कभी कभी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में किया जा सकता है, बस जरूरत है तो थोड़े संयम और समझदारी की। तो दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। एक कहानी और सुन लीजिए। दूसरी कहानी का नाम है बेटी का दर्द। अनन्या के सास ससुर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। उसका बेटा स्कूल गया हुआ था और उसे अभी आने में समय था। दोपहर का खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आई तो एकांत मिलते ही उसकी आंखें अपने आप ही डबडबा उठी। उसने अपना फोन निकाला और थोड़ी देर तक अपनी माँ और भाभी से बातचीत की। उसके भैया ऑफिस गए हुए थे तो उनसे तो शाम को ही बात हो पाती थी। उन लोगों से बात करने के बाद अनन्या को और भी ज्यादा उदासी ने आ घेरा। उसने फोन रख दिया और अपने पिता की यादों में खो गई। साल भर पहले ही उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। पहले तो वो उनसे भी फोन पर खूब ढेर सारी बातें किया करती थी, लेकिन अब उसे बहुत खालीपन सा महसूस होता था। अनन्या की आंखों से आंसू बरस रहे थे। उसने अपनी पर्सनल डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। वह ऐसे ही डायरी लिखकर अपने मन की बातें निकाल देती थी, क्योंकि अपने मन की उलझनें किसी और को बताकर वह सबकी सामान्य दिनचर्या को प्रभावित नहीं करना चाहती थी। उसने लिखना शुरू किया, पापा, बचपन से ही मैं किसी की मौत से बड़ा डर जाती थी। मुझे किसी की मृत देह देखने से भी डर लगता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में सबसे पहले आपकी मृत देह को इतने करीब से देखूंगी। जिस वक्त मुझे पता चला कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से छत उजड़ चुकी हो। भागती हुई मैं घर पहुंची थी। आपको उस अवस्था में देखकर मेरे तो कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। माँ मुझसे लिपट कर दहाड़े मार कर रो रही थी और मैं भी अपनी सारी हदें तोड़कर चिल्ला चिल्ला कर विलाप करने लगी। भैया भाभी भी फूट फूट कर रो रहे थे। हम सभी एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को सहारा तो दे रहे थे, लेकिन किसी में भी वह ताकत नहीं थी जो आपकी कमी को पूरी कर सके। हम सभी का विलाप केवल कुछ पलों का ही था। उसके बाद सब लोग आपको ले जाने के लिए जल्दी मचाने लगे और उसके बाद के नियम और विधि विधान में हम लोग कुछ इस कदर उलझे कि कब वह विलाप मौन सिसकियों में बदल गया पता ही नहीं चला। और उसके बाद वक्त सरकता चला गया और ऐसा लगा जैसे हमसे खुलकर रोने का मौका तक छीन लिया गया हो। मेरे अंदर इतना शोक अभी भी जमा है कि मैं आज भी उसी तरह चीख चीख कर फूट फूट कर विलाप कर सकती हूँ जिस तरह उस दिन आपसे लिपट कर रो रही थी। लेकिन अब लोग, वक्त और जिम्मेदारियाँ इस बात की इजाजत कहाँ देते हैं। अब तो आपकी याद बस आंखों में खामोश आंसू लेकर आते हैं। अकेले में सिसकियां जरा तेज हो सकती हैं, लेकिन अब मैं उस तरह विलाप करके कहाँ रो सकती हूँ। लेकिन अभी भी सच में मेरे अंदर इतना दर्द जमा है कि किसी भी घड़ी वैसे ही रो सकती हूँ जैसे आज से साल भर पहले रोई थी। अब तो कभी कभी रोते रोते इन आंसुओं को बीच में ही दबाना पड़ जाता है। कोई आ जाता है तो उसी पल नकली मुस्कुराहट का आवरण ओढ़कर सामान्य होना पड़ जाता है, लेकिन वह दर्द दूर कैसे रह सकता है। वह फिर से अपने बांध तोड़कर आंसुओं के रूप में बह निकलता है। पता नहीं कितना रोऊं तो ये मन हल्का होगा या कभी मन हल्का हो ही ना, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी जी भर कर रोने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। सच ही तो कहते हैं लोग कि एक इंसान के इस दुनिया से चले जाने से पूरी दुनिया तो नहीं रुकती ना। मुझसे जुड़े बाकी के लोग मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने को कहते हैं। मैं सब कुछ संभाल भी रही हूँ पापा, मैं आपके जाने के बाद और भी ज़्यादा गंभीर और जिम्मेदार बन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो बेटी है वह चाहे कितनी भी बड़ी और जिम्मेदार क्यों ना बन जाए, लेकिन अपने सिर से छिन चुकी आपके प्रेम और आशीर्वाद की छाया को कैसे भुला दे। आज आपके भीतर का दर्द भी समझ में आता है। आप भी तो हमारे लिए मजबूती से खड़े थे, लेकिन बेशक आप भी अपने स्वर्गवासी माता पिता को याद करके छुप छुप कर रोते होंगे। अपने दर्द को हम सभी से छुपा लेते होंगे ताकि हम सभी हंसी खुशी जी पाए, और आज मुझे भी वही करना है। मगर जीवन के इस पड़ाव पर समझ में आ रहा है कि हर इंसान के जीवन में एक छिपा हुआ दर्द जरूर होता है। अनन्या की डायरी का वो पन्ना और चेहरा दोनों आंसुओं से भीग चुके थे। अभी वह आगे कुछ और लिखती उससे पहले ही दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई और अनन्या ने फिर से अपने हमराज दुपट्टे को अपने आंसू छिपाने की जिम्मेदारी सौंप दी और डायरी बंद करके तकिए के नीचे सरकाकर उठ खड़ी हुई। दरवाजे पर उसका बेटा खड़ा था, जिसे देखते ही वह मुस्कुराते हुए पूछने लगी, बेटू आ गए तुम स्कूल से, टिफिन खत्म किया ना तुमने। उसका बेटा दौड़कर उसकी गोदी में चढ़ गया और माँ के गाल पर प्यार से किस करते हुए कहने लगा, हाँ मम्मी, आज का टिफिन तो तुमने बहुत यम्मी बनाया था। फिर वह बेटे के साथ बातों में मशगूल हो गई और उसके आंसू फिर से इंतजार करने लगे एकांत में बहने का। दोस्तों, आज कमेंट में बस अपने माता पिता के लिए थोड़ा प्यार बरसा दीजिए। धन्यवाद।